अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद अनीस रहमान एमके न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए नाज़रीन, आज की इस ख़ुसूसी ख़बर की जानिब। आज तारीख़ मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुमा के फौरी बाद शैलेंद्र चकाली, जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस इंचार्ज चारनार ने मक्का मस्जिद के पास जुम्मतुल विदा के इंतजामात में मसरूफ़ पुलिस इंस्पेक्टर चारनार, ट्रैफिक इंस्पेक्टर चारनार को सैनिटाइज़र और फेस मास्क शील्ड तकसीम करते नज़र आए। इसी तरह नमाज के बाद इमाम मक्का मस्जिद जनाब रिजवान कुरैशी साहब से मुलाकात करते हुए यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी शैलेंद्र ने इमाम मक्का मस्जिद जनाब रिजवान कुरैशी साहब को भी सैनिटाइज़र और फेस मास्क शील्ड पेश करते हुए करोना वबा से बचाव के लिए दुआएं करने की अपील की। शैलेंद्र ने मक्का मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों में भी सैनिटाइज़र और फेस मास्क तकसीम किए। शैलेंद्र ने लोगों को करोना वबा से बचाव की तदाबीर भी बताते नजर आए। इनके हमरा रोहित मोता प्रेसिडेंट हैदराबाद, हबीब अहमद सदर चारनार, आलम शरीफ नायब सदर, भानु चंद्र यादव जनरल सेक्रेटरी हल्का बहादुरपुरा के अलावा जादव दिलीप और मोहम्मद नसीर मौजूद थे। इत्तला के बमूज पूरे हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर शैलेंद्र की पूरी टीम अवाम में करोना वबा से बचने के तरीके बताते और सैनिटाइज़र और फेस मास्क तकसीम करते नज़र आए। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रऊफ की ये रिपोर्ट। यहाँ पे आज मक्का मस्जिद के जो इमाम साहब है उनको भी रिजवान कुरैशी साहब जो है उन्होंने भी प्रेयर करा रहे, तो अपने सबके अच्छे के लिए प्रेयर करते तो उन्होंने भी उनके हेल्थ अच्छा रहना बोल के उनको भी फेस शील्ड दिया गया है, जो यूथ कांग्रेस के तरफ से हम वो भी प्रोवाइड करें। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं शैलेंद्र, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद चामनार इंचार्ज। आज अलविदा जुम्मा, जो रमज़ान का जो महीना, जो आखिरी फ्राइडे हमारे ओल्ड सिटी में जो फेस्टिवल रमज़ान का आखिरी जुम्मा है उसको अलविदा जुम्मा कहते हैं। वो अलविदा जुम्मा के दिन हम जो भी हमारा एक ही यूथ कांग्रेस की तरफ से जो पब्लिक मास्क नहीं लगाते हुए यहाँ पे चामनार के पास दिखे उसको हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से मास्क प्रोवाइड करे। वैसे ही अपना हैदराबाद सिटी पुलिस अपने अमाम के लिए, पब्लिक के लिए जो मेहनत कर रहे, दिन रात कर रहे, यो यहाँ पे जो पुलिस वाले बंदोबस्त को आए यहाँ पे मक्का मस्जिद के पास या चामनार सराउंडिंग में, हमारे ओल्ड सिटी के, हमारे चामनार कॉन्स्टिट्यूंसी के सराउंडिंग में जितने भी पुलिस वाले बंदोबस्त को आए उनको हम फेस शील्ड, क्योंकि वो भी उनके फैमिलीज को छोड़ के पब्लिक को सर्व करने के लिए आ रहे, तो हमारा एक ही मकसद था कि हर कोने में हम जिस को जो तरीके से हम हेल्प कर सकते वो करना बोल के हम पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक मास्क शील्ड दिए सो है, फेस शील्ड दिए सो है, और आम जनता को जो मास्क नहीं है उनको मास्क दिए, जिसको सैनिटाइज़र की ज़रूरत है उसको सैनिटाइज़र दिए। साउथ जोन पुलिस भी सेफ रहना है, साउथ जोन के जो पब्लिक है वो भी सेफ रहना है, हमारा यही मकसद था। इसलिए आज अलविदा जुम्मा के दिन हम लोग ये सब बांटने का एक प्रोग्राम करें यहाँ पे। आज हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से हम एक ही पब्लिक से एक ही अपील करते हैं, हाथ हरदम हाथ धोते रहना और मास्क पहन के रखना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। हम यूथ कांग्रेस की तरफ से पब्लिक और सब जनता सेफ, मतलब अच्छा रहना बोल के हम मास्क दिए और सैनिटाइजर्स भी बांटे और फेस शील्ड्स भी दिए, जिसको ज़रूरत है हम उन लोगों को, जो खरीद नहीं सकते वो हम यूथ कांग्रेस की तरफ से हम उन लोगों को प्रोवाइड करें। जैसे आपको पता है पूरा आज पूरा विश्व कोरोना के वजह से कितना मुश्किल घड़ियों में गुजर रहे हैं, सबको पता है। तो आज हैदराबाद यूथ कांग्रेस के तरफ से पूरा हैदराबाद शहर में हम लोग मास्क बांट रहे हैं, और आज उसी सिलसिले में आज चारमीनार के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चारमीनार का यूथ कांग्रेस इंचार्ज शैलेंद्र जी और
प्रेसिडेंट हबीब भाई और वाइस प्रेसिडेंट असलम शरीफ के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ पे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और यहाँ पे आवाम को मास्क के साथ सैनिटाइज़र और फेस शील्ड भी हम लोग बांट के फिर उनका सेहत के लिए भी हम लोग उनका सेहत अच्छा रहना बोल के हम लोग दुआ कर रहे हैं और सबको हम लोग जितना कर सकते यूथ कांग्रेस के तरफ से और जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा के आवाम को ब्लड देने का काम किए जिन ज़रूरतमंद लोगों को प्लाज्मा का इंतज़ाम किए और जिनको हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे उनको बेड्स अरेंज करने का काम हैदराबाद यूथ कांग्रेस ने किया है। तो हम लोग हैदराबाद यूथ कांग्रेस के तरफ से हम लोगों के पास संसाधन ज़्यादा नहीं होते हुए भी हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हम लोग आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग दुआ करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब है हैदराबाद में, आप लोग ज़्यादा मत निकलिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होते ही आप बाहर निकल के काम देख लेके फिर घर में जाके रहना चाहिए क्योंकि हैदराबाद में सिचुएशन बहुत ख़राब है और हालात आने वाले दिनों में और भी बिगड़ने वाला है। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ जनता से, बहुत सब्र करिए, घर में रहिए, दो तीन महीने में जब ये डिजीज़ कम हो जाते हैं उसके बाद अपन फिर रेगुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यही मेरा गुजारिश है और इस गुजारिश के साथ ही हम लोग ये ख़त्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। पटको शैलेंद्र हटो बाबू भाई पूरा एक अच्छा फोटो ना राव भाई पीछे अच्छा चार मार के आ गए सर गाड़ियों का जाना।